देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। ड्राइवर ही नहीं पीछे बैठने वालों का भी कटेगा चालान। आ गए हैं नए नियम। इन दिनों सोशल मीडिया पर नए ट्रैफिक नियम के चालान को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। आए दिन चालान को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। कई लोग चालान को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ड्राइविंग के दौरान आगे की सीट बेल्ट न लगाने पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर सोचिए कि आपने पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो फिर क्या होगा। सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। कई लोग बहस कर रहे हैं कि पीछे की सीट पर बैठे लोग अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या चालान कटेगा। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान दिया गया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के 2004 के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीछे की सीटों पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन को 2005 में लागू कर दिया गया था। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर कार में पीछे बैठे लोग भी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो करीब 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अगर वाहन निर्माता कंपनी ने पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट की सुविधा दी है तो ये नियम लागू होगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में लुंगी पहनकर ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों का भी चालान काटा जाएगा। इस चालान की राशि 2000 रुपये देनी होगी। राज्य के सभी वाणिज्यिक वाहनों के ड्राइवरों को लुंगी और बनियान पहनकर गाड़ियां चलाते हुए पकड़ा गया तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत ड्राइवरों को ड्रेस कोड का पालन करना होता है, लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। अब इस पर सख्ती की गई है। वहीं दूसरी ओर कोई भी ड्राइवर चप्पल सैंडल पहनकर या फिर नंगे पैर गाड़ी नहीं चला सकेंगे। उन्हें फुल लेंथ पैंट और शर्ट या फिर टी शर्ट पहनकर ही गाड़ी चलाना होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी ड्राइवरों को जूते पहनना जरूरी होगा। इन नए नियमों के तहत सभी स्कूल वाहनों के ड्राइवरों पर भी लागू होगा। स्कूल वाहन चालकों को वर्दी पहनना जरूरी होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।